हाय हेलो, कैसे हो? बढ़िया। हम लोग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, आपको याद होगा, सिक्स ग्राफिकल जो 6.2 है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और 6.3, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन हम लोग फिर भी कर रहे हैं क्योंकि समझ आना चाहिए। तो आइए हम लोग 6.3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसमें ग्राफ के लिए हमें कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले ट्रू फॉल्स देखेंगे। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, इट इज फॉल्स। और इस केस में व्हेन वाई इज इक्वल टू 0, देन 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये भी हमारा फॉल्स है। जब हम इसको ग्राफ पे शो करें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फॉर दिस एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए, एक्स वाई के पैरेलल, यानी यहां से एक डॉटेड लाइन, हमारा ये बनेगा ग्राफ एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई के लिए 2 से एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई इज इक्वल टू 2। अब शेडिंग के लिए दोनों में हमारा क्या है, फॉल्स निकला। फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इसका क्या होगा, ये साइड, और इसके लिए ये साइड। तो ये जो ओवरलैप्ड हो गया है, दिस एरिया, ये रीजन जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। दिस रीजन इज योर सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, वी हैव गिवेन 3x plus 2y इज लेस देन 12। 3x plus 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12। और दूसरा इक्वेशन कह रहा है हमसे, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और वाई इज अगेन ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो इसमें तीन लाइन बनेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तीनों लाइन का जो ओवरलैप एरिया होगा वो हमारा, उसको सेट कर देंगे, वही रीजन हमारा कंप्लीट होगा। लेट 3x plus 2y equal to 12। तो इसके लिए हमें टेबल की जरूरत होगी। When x is your 0, then y is equal to 6 and y is 0, then x is equal to 4। इस केस में x is equal to 1 and y is equal to 2। हम लोग इसको देखें, ये हमारा फॉल्स बनेगा। When x is equal to 0, x less greater or equal to 1 is false। और इस केस में when y is equal to 0, then y is greater or equal to 2 is false। ये भी false, ये भी false। इस केस में देखें, when x and y इज इक्वल टू 0, हम इस दोनों को 0 लें, दैट मीन्स देन 0 प्लस 0 0, ये ट्रू होगा हमारा। 3x प्लस 2y इज लेस और ग्रेटर इक्वल टू 12 इज ट्रू। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ये ओरिजिन है, हमें मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Now when x is 0, y is equal to this one, and y 0 then x is your 4, that means here. तो इससे मिलता आप एक लाइन ले जाएं. कभी भी मैंने आपको बताया था when we draw equal line it must be dotted. This is the line of 3x plus 2y is equal to 12. Now another x is equal to 1. एक लाइन 1 से y नहीं है, y 0 है, तो y के पैरेलल एक लाइन, this line. X is equal to 1 and third line y is equal to 2, that means here y is equal to 2. अब देखिए फर्स्ट लाइन, इस लाइन में ये हमारा ट्रू है तो ये इस साइड को शेडिंग होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, और ये दोनों फॉल्स है तो अपवर्ड डायरेक्शन, इसका भी इस लाइन से अप इस साइड में हमें दिखाई दे रहा है कि ये पोर्शन, दिस इज आवर ओवरलैप्ड एरिया, सो हेयर इज द सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ये जो ओवरलैप्ड जो तीनों लाइन के बीच में है वो ओवरलैप्ड एरिया आपका सॉल्यूशन होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज गिवन द इनइक्वालिटी इज 2x प्लस y, 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 12, इट इज द लेस देन, ओके 2x 3x 2x प्लस y इज लेस और इक्वल टू 6. नेक्स्ट लाइन y इज 3x प्लस 4y इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू 12. 3x प्लस 4y इज लेस और इक्वल टू 12, यही दे रखा है 3x प्लस 4y एक में, दूसरे में 2x प्लस y. अब इन दोनों के लिए हम लोग टेबल कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 और यहां 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. तो इसके लिए टेबल हमारा बनेगा, इंडिविजुअली टेबल बनाएंगे, दो लाइन बनेगा हमारा, when x is your 0 then y is 6 and y is 0 then x is 3, in this x is 0 then y is 3 and y is 0 then x is 4 equation. Now we have need to draw the graph. One, two, three, four. Oh, six is here, so exceed it. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is your y-axis, x dash, y dash. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, see, for this line, 0, then it is 6. That means here. This line is your 2x plus y is equal to 6. And another, oh sorry, one point. Ye line hamne to banana hi nahi abhi. Dusra point to humne liya hi nahi. This is wrong. Ek ye point hoga
और दूसरा पॉइंट हमारा कहां बन रहा है, 0 and 3, दैट मीन्स हेयर, ये लाइन अपना बना, दिस इज योर 2x + y = 6, फॉर दिस इक्वेशन 0, 3, दैट मीन्स हेयर, y इज 3, 1, 2, 3 हेयर, एंड 4, 0 हेयर, x + 4y = 12. नाउ चेक विच वन जीरो, इसमें अगर हम पुट अप करते हैं 0, 0 तो ये फॉल्स होगा, 2x + y = 6 इज फॉल्स व्हेन x = y = 0, एंड इसमें 0, 0 लेस तो दैट मीन्स इट इज ट्रू, 3x + 4y = 12 इज ट्रू व्हेन x = y = 0. नाउ इट इज फॉल्स, ये इस लाइन का फॉल्स तो ये इस साइड, और ये ट्रू दैट मीन्स इस साइड, तो ये जो एरिया मिला आपको Here, this shaded region is your answer, solution है. कहां पर हमारा ये exactly एक दूसरे को cross कर रहा है, वो shaded region हो जाएगा, और ये overlapping जो हो रहा है जहां पर इधर का इधर, तो ये portion आपका shaded region, ये solution होगा. Question number four, हमें क्या given है, कहां गया क्वेश्चन नंबर फोर इज गिवन, x + y = 4 एंड टू एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो. कर दीजिए, इसका टेबल बनाते हैं, एक्स वाई व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 4, लेट हमने नहीं किया गलती, x + y = 4 और यहां लेट करना है 2x - y = 0. एक्स अगर हमने लिया 0 तो y बनेगा अपना 4, y 0 तो x बनेगा 4, जिट क्लियर, 2x में x 0 देन y, x अगर 0 है तो y = 0 भी बनेगा, -y = 0 यानी माइनस तो होता नहीं, तो 0, 0 केस में, और y अगर 0 है तो x भी 0 हो, ये कैसे, इफ x इज 0 देन y इज 0, ये भी 0 बन रहा है, x को अगर हमने 0 किया तो -y = 0 यानी कि 0 ही बनेगा, ये भी माइनस वाई तो होता नहीं है, -0 तो होगा नहीं, तो ये भी 0, और y अगर 0 तो 0/2 दैट मीन्स 0, 0/2 जो होता है वो 0, 0 से, तो इसका ओरिजिन क्या हुआ, 0, 0 से ओरिजिन से ये पास आउट होगा, ये 0, 0 है तो ये तो ओरिजिन से पास आउट आपका होगा पॉजिटिव की ओर, और ये 0, 4 है, अच्छा लिखा नहीं मैंने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स ये 0 तो यहां 4, और ये 0 तो यहां 4, ये आपका डॉटेड लाइन होना चाहिए, 2x - y = 0
एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, ये मिल गया। अब ट्रू फॉल्स में देखें तो हमारा ये ओरिजिन से जा रहा है तो वो पॉजिटिव की तरफ इस साइड में इसका शेडिंग होगा, ये तो जीरो जीरो में है तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। अब इसके लिए ट्रू फॉल्स देखें, एक्स प्लस वाई जीरो जीरो, ये फॉल्स हो गया तो ये इस साइड से, ये जो आपका ओवरलैपिंग एरिया मिला इस लाइन से, ये आपका शेडेड रीजन आपका सॉल्यूशन होगा, ये एरिया इधर से। क्लियर? आज हम चार क्वेश्चन तक रखते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है वो आप सब कुछ जानते हो, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, हर बार कहूंगा, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना तब जब आपका इच्छा हो, कर दोगे तो अच्छा रहेगा, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले तो सब्सक्राइब लाइक शेयर, तब तक बाय।